तो चलिए अब इसे प्रैक्टिकली भी देख लेते हैं। वो इसमें हुआ था 4th अगस्त के दिन, तो आप इसको 455 रुपीज़ 85 पैसे की प्राइस में सेल कर देते हैं। यानी अगर इसको कैलकुलेट करें तो ये 35% से भी ज़्यादा के रिटर्न्स मिलते हैं। हो सकता है कि आप ट्रेडिंग से पैसे कमाना चाहते हैं, बट आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप इतनी रिसर्च कर पाएं या पूरे दिन मॉनिटर के सामने बैठ पाएं, एनालिसिस कर पाएं। बट आप चाहते हैं कि यार ट्रेडिंग से एक एडिशनल इनकम भी आ जाती तो ये अच्छा होता। तो इसका एक तरीका है और उसको हम कहते हैं स्विंग ट्रेडिंग, जहां इंट्राडे ट्रेडिंग में हम एक दिन के अंदर ही शेयर बाय एंड सेल करके प्रॉफिट कमाते हैं, वहीं स्विंग ट्रेडिंग में आप एक हफ्ते से लेकर कुछ महीने के लिए भी अपने पास शेयर रख सकते हैं और उससे भी प्रॉफिट कमा सकते हैं। और अच्छी बात यह है कि यहाँ पर इंट्राडे ट्रेडिंग के कंपैरिजन में थोड़ा रिस्क भी कम होता है और आपको उतना ज्यादा टाइम देना भी नहीं पड़ेगा। और डेली 10-15 मिनट भी आप रिसर्च करेंगे और अपने लिए एक स्टॉक सेलेक्ट कर लेंगे, तो इस तरीके से आप कुछ दिन के अंदर प्रॉफिट कमा पाएंगे। तो देखो, स्विंग का मतलब होता है झूला, और स्टॉक मार्केट में स्विंग ट्रेंड के बीच में जो मूवमेंट आती है ना, कई बार अप मूवमेंट आती है, डाउन मूवमेंट आती है, उनको हम स्विंग्स कहते हैं। आपने देखा होगा कि स्टॉक मार्केट में कभी भी शेयर की प्राइस इस तरीके से नहीं बढ़ती है। हमेशा शेयर की प्राइस जब बढ़ेगी तो उसके बीच में ऐसे स्विंग्स आते हैं, उसके बाद फिर बढ़ेगी, फिर ऐसे स्विंग्स आते हैं, फिर बढ़ेगी, फिर ऐसे स्विंग्स आते हैं, और इस तरीके से शेयर की प्राइस बढ़ती है। और अगर शेयर की प्राइस कभी गिरती भी है तो वो भी ऐसे डायरेक्टली नहीं गिरती है, वो जब गिरेगी तो वो भी कुछ इस तरीके से गिरेगी, इस तरीके से गिरेगी। और ऐसे ही जब शेयर की प्राइस गिरती है तो यहां पर आपको बहुत सारे स्विंग्स देखने को मिल रहे हैं, एकदम झूले जैसा ये दिखाई भी दे रहे हैं। तो स्विंग क्या होता है ये हमें समझ आ गया है। अब अगर स्विंग ट्रेडिंग की बात करें तो इसमें जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि शेयर की प्राइस डायरेक्टली नहीं बढ़ रही है, वो थोड़ा गिर भी रही है। तो अगर मान लीजिए जब हमें पता है कि शेयर की प्राइस अभी अप ट्रेंड में है और उसके बाद इसमें एक छोटा सा स्विंग आया है, तो अगर आप यहां पे बाय कर लेते हैं तो उसके बाद अगर आप यहां से लेकर यहां तक का मूवमेंट भी कैच कर पाए तो इस तरीके से भी आप स्विंग ट्रेडिंग करके पैसे कमा सकते हैं। अब देखो, इसको करने का फायदा क्या होगा। पहला फायदा तो यह है कि क्योंकि आपने इसमें जो स्टॉक है वो कुछ दिन से लेके कुछ हफ्तों के लिए रखा है, तो यहाँ पर आपके ऊपर इंट्राडे जितनी बाउंडेशन नहीं है और आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की तरह बहुत लंबे टाइम का वेट करने की भी जरूरत नहीं है। आप बस छोटे छोटे स्विंग्स में से प्रॉफिट ले रहे हैं और उसके बाद उस ट्रेड में से एग्जिट कर जा रहे हैं। अब देखो, वैसे तो स्विंग ट्रेडिंग का कोई भी टाइम पीरियड सेट नहीं है कि आप 2 दिन रखेंगे, 4 दिन रखेंगे, तभी हम उसको स्विंग ट्रेडिंग कंसीडर करेंगे। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जनरली ऐसा माना जाता है कि अगर आप 2 दिन से लेकर कुछ महीने के लिए अपने पास शेयर रख रहे हैं तो वो स्विंग ट्रेडिंग है। और यहां पर आप उस स्टॉक को उसके फंडामेंटल के बेसिस पे चूज नहीं कर रहे हैं, आप उसके टेक्निकल्स को देखकर ही उसे चूज कर रहे हैं और कुछ दिन के लिए चूज कर रहे हैं, तो इसलिए ये एक स्विंग ट्रेडिंग बन जाती है। ये ना तो इंट्राडे की कैटेगरी में आ पाती है और ना ही ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की कैटेगरी में आती है। तो अब आपको क्लियर हो गया कि स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है। अगर क्लियर हो गया है तो कमेंट कीजिए। और हां, अगर आप ट्रेडिंग के लिए बेस्ट डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो कुछ अच्छे डीमैट अकाउंट के लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है, तो एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना यार। तो चलिए अब ये समझते हैं कि अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग करनी है तो इसके लिए देखो आपको स्टॉक सेलेक्ट करने होंगे। तो ये स्टॉक्स आप किस तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज जो आपको एक स्टॉक को सेलेक्ट करने से पहले देखनी है वो ये है कि उस स्टॉक में वॉलेटिलिटी होनी चाहिए, यानी उस स्टॉक की जो प्राइस है उसमें अच्छे खासे उतार चढ़ाव आ रहे हों। इसके अलावा जो दूसरी चीज आप जिस स्टॉक को सेलेक्ट कर रहे हैं उसमें होनी चाहिए वो ये है कि उस स्टॉक में लिक्विडिटी होना बहुत ज्यादा जरूरी है, यानी उस स्टॉक को आप कभी भी बाय कर पाएं, कभी भी सेल कर पाएं। तो इसके लिए हमेशा लार्ज कैप स्टॉक्स को ही कंसीडर करें। आप चाहें तो किसी मिड कैप स्टॉक को भी कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन स्मॉल कैप स्टॉक्स में रिस्क मत लीजिएगा। अब ये 2 तो क्वालिटी है, लेकिन इसके बाद भी कई हजार स्टॉक्स हैं, तो उसमें से स्विंग ट्रेडिंग के लिए कौन सा स्टॉक बेस्ट है ये आप कैसे सेलेक्ट करोगे। तो इसके लिए जो भी एनालिसिस आप ऑप्शंस ट्रेडिंग या फिर इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए करते वही एनालिसिस आपको यहां पर भी करना है, लेकिन इंट्राडे ट्रेडिंग में हम 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट के टाइम फ्रेम का यूज करते हैं। यहां पर हो सकता है कि आप 1 घंटे, 2 घंटे या फिर 1 दिन की कैंडल पे अपना एनालिसिस करें। इसके अलावा देखिए, क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग में आप कुछ दिन के लिए उस स्टॉक को होल्ड करेंगे तो यहां पर आपके ऊपर ओवरनाइट रिस्क भी रहेगा, तो इसलिए आपको न्यूज से भी अपने आप को अपडेटेड रखना होगा। ऐसे स्टॉक्स जिनमें न्यूज की वजह से अचानक से वॉलेटिलिटी आ सकती है उनको आपको अवॉइड करना पड़ेगा। तो ये सभी बातें एक स्टॉक को सेलेक्ट करने से पहले देख लेना। वैसे कुछ स्ट्रेटजीज आगे बताने वाला हूं, तो डोंट वरी, स्टॉक आप उन स्ट्रेटजीज के बेसिस पर सेलेक्ट कर पाएंगे। अब आते हैं मेन मुद्दे पर, जो कि इसकी स्ट्रेटजी है। तो सबसे पहली और सबसे सिंपल स्ट्रेटजी है जो कि यहां पर ठीक ठाक काम करती है,
वो है मूविंग एवरेज क्रॉसओवर्स। हमने रिसेंट वीडियो में आपको मूविंग एवरेज के बारे में बताया था, अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन किया था। तो उसी वीडियो में हमने आपको गोल्डन क्रॉसओवर और डेथ क्रॉसओवर के बारे में बताया था। तो वो जो स्ट्रेटजी है वो इंट्राडे ट्रेडिंग या ऑप्शन ट्रेडिंग में उतने एक्यूरेटली काम नहीं करती है, लेकिन अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं तो वहां पर क्योंकि आपका टाइम फ्रेम बड़ा है तो उस केस में ये जो स्ट्रेटजी है वो आपके लिए अच्छे से काम कर सकती है। तो चलिए अब इसे प्रैक्टिकली भी देख लेते हैं। यहां पर हम गोल्डन क्रॉसओवर और जो डेथ क्रॉसओवर है उसका यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो गोल्डन क्रॉसओवर आईटीसी के चार्ट में 1 आवर की कैंडल में हुआ था, यहां पर हम ध्यान रखिए कि 50 पीरियड और 200 पीरियड का मूविंग एवरेज यूज कर रहे हैं। तो वो जो क्रॉसओवर हुआ था वो 25 जनवरी को हुआ था, यानी इस दिन आप 336.60 रुपीज की प्राइस में इसको बाय कर लेते। अब इसके बाद आप इसको होल्ड करते और तब तक होल्ड करते जब तक इसमें डेथ क्रॉसओवर नहीं हो जाता। तो वो जो डेथ क्रॉसओवर है वो इसमें हुआ था 4 अगस्त के दिन, तो आप इसको 455.85 रुपीज की प्राइस में सेल कर देते। यानी अगर इसको कैलकुलेट करें तो ये 35% से भी ज्यादा के रिटर्न्स मिलते हैं। अब इसके बाद इसके बेसिस पर आप जो नेक्स्ट ट्रेड लेते वो आप 450.45 रुपीज की प्राइस में बाय करते और उसको आप सेल करते 447.60 रुपीज की प्राइस में, यानी यहां पर आपको 0.63% का लॉस होता। इसके बाद इसके बेसिस पर आपको जो थर्ड ट्रेड मिलता वो आपको 447.40 रुपीज की प्राइस में मिलता और इसको आप 436.85 रुपीज की प्राइस में सेल करते, तो इसमें आपको -2.35% का लॉस हो जाता। तो आईटीसी के चार्ट में आपको इस स्ट्रेटजी के बेसिस पर टोटल 3 ट्रेड मिलते जिसमें 2 में आपको लॉस होता लेकिन 1 में आपको प्रॉफिट होता और वो प्रॉफिट 35% का था। तो अगर इसको एवरेज कर लें तो लगभग आप 32% का प्रॉफिट यहां पर कमा लेते। जबकि आप सोच कर देखिए कि एफडी में आपको सिर्फ 6-8% के रिटर्न्स मिलते और अगर आप मान लीजिए इंडेक्स फंड में भी इन्वेस्ट कर देते तो वहां पे आप 12-13% के ही रिटर्न्स कमा पाते। अब आप बोलेंगे एक चार्ट में तो कोई भी एग्जांपल परफेक्ट हो सकता है, तो चलिए मैं आपको एक और चार्ट में इस स्ट्रेटजी को दिखाता हूं। तो ये जो नेक्स्ट चार्ट हमने सेलेक्ट किया है यह है टाटा मोटर्स का। वैसे आप खुद भी किसी भी चार्ट में इसको अप्लाई करके देख सकते हैं। तो टाटा मोटर्स में सेम कंडीशन यहां पर हम फॉलो कर रहे हैं, 1 आवर की कैंडल है, 50 पीरियड और 200 पीरियड का मूविंग एवरेज है। तो इसमें जो पहला गोल्डन क्रॉसओवर हुआ था वो हुआ था 16 जनवरी को, तो इस दिन 410 रुपए की प्राइस में आप इसको बाय कर लेते और उसके बाद आप इसको सेल करते 424 रुपीज की प्राइस में 28 फरवरी को, तो आपको 2 महीने में लगभग 3.4% के रिटर्न्स मिल जाते। अब इसके बाद नेक्स्ट ट्रेड आप यहां पर बाय करते 437 रुपीज की प्राइस में और इसको आप सेल करते 418 रुपीज की प्राइस में, तो यहां पर आपको 4.5% का लॉस हो जाता। अब इसके बाद जो थर्ड ट्रेड आप लेते वो आप 454 रुपीज की प्राइस में यहां पर बाय करते और इसके बाद आप इसको सेल करते काफी आगे जाकर यहां पर इसमें डेथ क्रॉसओवर हुआ था, तो इसको आप 606.25 रुपीज की प्राइस में सेल करते और यहां पर आपको 33% से भी ज्यादा के रिटर्न्स मिल जाते। इसके बाद नेक्स्ट ट्रेड आप यहां पर बाय करते 624 रुपीज की प्राइस में और उसके बाद इसको सेल करते 617 रुपीज की प्राइस में, यानी इस ट्रेड में आपको वापस से 1.12% का लॉस हो जाता। इसके बाद जो फिफ्थ ट्रेड है वो आप 627.45 रुपीज की प्राइस में बाय करते और उसको आप 633.15 रुपीज की प्राइस में सेल करते, तो यहां पर आप 0.90% के रिटर्न्स कमा लेते। तो अगर इसका भी टोटल कर लें तो यहां पर भी आप 30% से ज्यादा के रिटर्न्स कमा सकते थे। अब चलिए फाइनली लास्ट में एक और चार्ट में इसको देख लेते हैं और वो चार्ट है भारती एयरटेल का। तो इस चार्ट में आपको पहला ट्रेड मिलता 12 अप्रैल को 766 रुपीज की प्राइस में, आपको इसको सेल करना होता 757 रुपीज की प्राइस में और यहां पर आपको 1.13% का लॉस हो जाता। इसके बाद नेक्स्ट ट्रेड जो आप लेते वो 765 रुपीज की प्राइस में आप बाय करते और इसके बाद इसको आप जाकर सेल करते 859.50 रुपीज की प्राइस में, यानी यहां पर आपको 12.3% का प्रॉफिट होता। और इसके बाद इस स्ट्रेटजी के बेसिस पर एयरटेल के चार्ट पे आपको जो थर्ड ट्रेड मिलता वो मिलता 883 रुपीज की प्राइस में और इसके बाद आप इसको सेल करते 918 रुपीज की प्राइस में, यानी यहां पर भी आपको 3.93% का प्रॉफिट हो जाता। और इसके बाद जो फोर्थ ट्रेड है वो अभी आपका चल रहा होता जिसमें अभी आप प्रॉफिट में होते, तो अगर इसमें भी एवरेज देख लें तो यहां पर भी आप 15% का प्रॉफिट कमा लेते। तो आपने देखा कि कितनी सिंपल स्ट्रेटजी है और तब भी कितने अच्छे से काम कर रही है और इस तरीके से भी आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो प्रॉफिट ना बहुत सिंपल चीजों से ही बनता है। इसके अलावा जो दूसरी बहुत ही सिंपल स्ट्रेटजी है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, वो भी क्योंकि यहाँ पर टाइम फ्रेम बड़ा है तो काफी अच्छे से यहाँ पर काम करता है। ऑल्दो आपको ये खुद से ट्राई करके देखना होगा, आप जब तक खुद से ट्राई नहीं करेंगे तब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा और इसको बैक टेस्ट करके देखिए। और इसी के साथ ही मैंने आपको यहाँ पर बताया है कि यहाँ पर हमें स्विंग्स को कैप्चर करना है, तो क्योंकि यहां पर जो स्टॉक होगा वो अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड में हो सकता है, तो यहां पर अगर आप ट्रेंड लाइन का यूज करेंगे तो उससे भी आपको काफी बेनिफिट हो सकता है और यहां से भी आप अपने ट्रेड को प्लान कर सकते हैं।
तो ये कुछ बेसिक स्ट्रैटजीज हैं, और इवन और भी बहुत सारी जो बेसिक स्ट्रैटजीज है ना, वो क्योंकि टाइम फ्रेम बढ़ जाता है तो थोड़ा बेटर तरीके से काम करती हैं। बट अगर इसके कुछ रिस्क की बात करें तो देखो, सबसे पहले तो आप कुछ दिन के लिए स्टॉक को रख रहे हो, तो यहाँ पर आपके ऊपर ओवरनाइट रिस्क रहता है। अचानक से अगर इस स्टॉक में कोई न्यूज आ गई जो कि आपके ट्रेड के नेगेटिव है, तो वहां पर आपको लॉस होने के चांसेस हो सकते हैं। दूसरा, स्विंग ट्रेडिंग में प्रॉब्लम यह है कि इंट्राडे ट्रेडिंग में तो आपको मार्जिन मिलता है, अगर आप 1,00,000 रुपए लगा रहे हैं तो वहां पर आप 4 या 5 लाख रुपए तक की क्वांटिटी के शेयर्स खरीद सकते हैं, जबकि स्विंग ट्रेडिंग में आपको कोई भी मार्जिन नहीं मिलता है, तो इसलिए आपके पास ज्यादा कैपिटल होनी चाहिए प्रॉफिट कमाने के लिए। तो अब आते हैं मेन मुद्दे पे कि क्या आपको स्विंग ट्रेडिंग करनी चाहिए। अगर मान लीजिए आपके पास एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम है, आप अपने सारे बिल्स इजीली पे कर देते हैं, आपके पास सेविंग में भी ठीक ठाक पैसा पड़ा हुआ है, और आपके पास एक लिक्विड कैश है जिसके थ्रू आप एडिशनल इनकम जनरेट करना चाहते हैं, तब तो आप उस पैसे को रिस्क में लगाकर स्विंग ट्रेडिंग कीजिए। यानी स्विंग ट्रेडिंग आपको उसी पैसे से करनी है जिस पैसे पर आप रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जैसी भी हो यह है तो ट्रेडिंग ही, और जब भी ट्रेडिंग आएगी तो वहां पर रिस्क होगा, और उस रिस्क में या तो पैसा बनेगा या फिर लूज होगा। तो आपको दोनों सिचुएशन के लिए रेडी रहना है, सिर्फ पॉजिटिव नहीं सोचना है। इसके साथ ही अगर मान लीजिए आप ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, आप रिसर्च में मेहनत नहीं कर सकते हैं, तब भी स्विंग ट्रेडिंग या किसी भी तरीके की ट्रेडिंग में मत जाना, उसमें बेस्ट है कि लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टिंग करो। मैं उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप इस तरीके की और वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आप ट्रेडिंग के लिए बेस्ट डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन भी जरूर चेक कर लीजिएगा। धन्यवाद।